हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीमा क्रिएटिव आइडियाज़। आज मैं आप लोग के लिए ना बहुत ही अच्छी तीन तरह की कम तेल में बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही हेल्दी भी है, साथ में बहुत टेस्टी भी है और बनाने में भी बहुत सिंपल है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली रेसिपी को। सबसे पहले मैंने ना एक कप सूजी ले ली है, उसमें मैंने डाल दिया है उसी कप का आधा कप दही। अब क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और फिर क्या करेंगे, इसको ना मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर को हमें थोड़ा सा पतला रखना है ताकि जब ये सूजी फूले तो अच्छे से पानी इसमें सोख हो जाए। तो इसको देखिए, थोड़ा सा पतला मैंने बैटर रखा है और इसको रख देते हैं 15 मिनट के लिए साइड में। तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाले में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और इसमें मैंने ना सरसों का फोड़न डाल दिया है, और सरसों जैसे तड़क जाएगा तो मैं इसमें डाल रही हूँ चना दाल और उड़द दाल। ये दोनों भी जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे ना तो इसमें हम डालेंगे वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मैंने देखिए कद्दूकस किया हुआ गाजर रखा है, शिमला मिर्च रखी है, प्याज और हरी मिर्च। आप लोग इसमें ना और भी जो भी आपको पसंद है वो वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, लेकिन सारी वेजिटेबल्स अच्छी नहीं लगती, दो चार यही सब वेजिटेबल्स हैं जो अच्छी लगती हैं इनमें। तो अब थोड़ा सा नमक डाल के क्या करेंगे ना, इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे। तो अब इसको मैं 2 मिनट के लिए क्या कर रही हूँ, ढक दे रही हूँ ताकि जो मसाले हैं, जो वो वेजिटेबल्स हैं, वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए हो गया है रेडी। अब हमारा जो बैटर है उसमें हम डाल देंगे सारे वेजिटेबल्स जो हमने अभी बनाए हैं और फिर क्या करेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है, मिक्स कर लेंगे। आप देख रहे हैं दोस्तों कि सूजी ना थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है, हमने बहुत सारा पानी एक्स्ट्रा रखा था जो कि सूख हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और पानी डाल के ना इसको थोड़ा पतला कर ले रही हूँ। ये देखिए थोड़ा सा और हम इसमें पानी डाल देते हैं। इस रेसिपी को आप ना चाहे तो बच्चों की टिफ़िन में दे सकते हैं या फिर जब भी आपको थोड़ा कुछ खाने का मन करे तो फटाफट से आप इसको बना के खा सकते हैं। तो इसमें तेल भी बहुत कम है लगता है और ये हेल्दी भी है। तो अब देखिए मैंने इसमें आधी चम्मच इनो डाल दी है और इनो डालने के बाद तुरंत हमें इसे पकने के लिए चढ़ा देना है। तो मैंने अप्पम पैन को पहले ही गर्म कर लिया है और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा थोड़ा तेल। तेल इसमें बहुत ही कम लगता है। तो अब क्या करेंगे ना, बैटर को इसमें एक एक चम्मच करके ऐसे डाल देंगे। तो ये देखिए अब इसको हमें ढक देना है और 4-5 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लेना है। तो देखिए मैंने 2-3 मिनट बाद इसको एक बार ऐसे चेक कर लिया और पलटने लगी, तो एक साइड से थोड़ा सा ना मुझे कुक कम हुआ है लग रहा है, तो मैं इसको ढक के थोड़ा सा और पका ले रही हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए। तो देखिए 4-5 मिनट बाद ये बहुत ही अच्छे से कुरकुरे से बन के रेडी हो चुके हैं और एकदम अंदर से फ्लफी हैं। तो रेडी है हमारा फर्स्ट जो ब्रेकफास्ट है। अब चलते हैं सेकेंड की तरफ। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 कप गेहूँ का आटा और 1/2 कप बेसन। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, इसको भी मिक्स कर लेंगे नमक को भी। अब इसमें भी मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे जो हैं वेजिटेबल्स ऐसे तो खाते नहीं हैं, तो उनको इस तरह से ही खिलाया जा सकता है। तो इसमें मैं डाल रही हूँ गाजर, प्याज, शिमला मिर्च, धनिया और हरी मिर्च। तो इसको क्या करेंगे, अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसका भी एक बैटर तैयार कर लेंगे। पहले थोड़ा सा इसको ऐसे मिला लीजिए, फिर इसको पतला सा एक बैटर तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हैं कितना ये पतला हुआ है। इसमें थोड़ा सा और मैं पानी डालूंगी। अब ये देखिए, ये इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें ना 1/2 चम्मच के करीब
अजवाइन डाल दे रही हूँ। अजवाइन हमारे पेट के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इससे ना इस चीले का फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा सा इसमें हम तेल डाल के ग्रीस कर लेते हैं तवे को। फिर इसमें डाल देते हैं बैटर को ऐसे। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब बैटर डाल दिया है और ना हाथों से ही इसको ऐसे फैला लेते हैं। हाथों से फैलाने से ना ये आप जितना मर्जी उतना पतला कर सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा फैल गया है। आप इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए हमारा जो आटा है। तो 2 से 3 मिनट के बाद देखिए एक साइड को मैं ऐसे पलट ले रही हूँ, एक साइड से कितना अच्छा ये पक चुका है। अब सेकेंड साइड को भी हमें 2 मिनट के लिए पका ले रहा है। थोड़ा सा तेल और डाल दीजिए अगर आपका मन हो तो, और नहीं डालना है तो ना डालें। अब इसको ऐसे कलछी से दबाते हुए बढ़िया से सेक लीजिए। तो रेडी है हमारा ये भी चीला, बेसन का और गेहूं आटे का चीला। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी है। आप भी ज़रूर बनाइए, बहुत ही इजीली फटाफट से बन भी जाती है। तो देखिए अब चलते हैं हम अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ। थर्ड रेसिपी में मैं बना रही हूँ मेथी के पराठे। अभी विंटर के सीज़न में मेथी हर जगह मिलती है और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है मेथी। तो इसके लिए मैंने गेहूं का आटा ले लिया है, उसमें नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी अजवाइन डाल के ना इसमें मैंने देखी मेथी को पहले से धो के काट के रखा हुआ है उसको भी डाल दिया है। और थोड़ा सा ना इसमें मैंने अदरक और लहसुन को ऐसे क्रश करके अच्छे से ले लिया है, डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे ना, सारी चीज़ों को पहले एक बार हाथ से अच्छे से मिला लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको मसलते हुए एक आटा तैयार कर लेंगे इसका। तो देखिए इसका आटा लगभग तैयार हो चुका है। इसको अच्छे से मसल मसल के, जो मेथी है, मेथी का जो साग है वो कच्चा ही रहता है, तो अब जब इसको मसलते हैं अच्छे से तो इसका पानी रिलीज़ होता है और इसका ना जब आप इसको सेकेंगे तो इसका जो पकने का प्रोसेस है बहुत ही जल्दी होने लगता है और अच्छे से पक जाता है। तो अब इसको आप चाहे मोटा रखिए या पतला, जैसे भी आपको खाना है उस तरह से इसको बेल लीजिए, फिर इसको सेक लेंगे। सेकने के लिए देखिए पहले ना इसको बिना तेल के ही पे दोनों तरफ सेकना है। तो दोनों तरफ से अच्छे से सेकने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल लीजिए। इस तरह से चम्मच से दबाते हुए चारों तरफ को अच्छी तरह से पका लीजिए, सेक लीजिए। तो बस हो गया है रेडी हमारा ये मेथी का पराठा, जो कि बहुत ही कम तेल में भी बन जाता है और हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो रेडी है हमारी ये तीनों ब्रेकफास्ट रेसिपी। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बताइए। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। थैंक यू।